तरफ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, नदियों में जल पुलिस की तैनाती की, 7 जिलों में एसडीआरएफ भी तैनात है, पीएससी की कंपनी भी तैनात की गई है, नदी किनारे 24 घंटे गश्ती के निर्देश। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नदियों में शव जो बहाए जा रहे हैं इसका मामला है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इसी पर बयान दिया है। जी हां, आपको बता दें कि एडीजी ने कहा है कि नदियों में जल पुलिस की तैनाती की गई है और 7 जिलों में एसडीआरएफ भी तैनात किया गया है, पीएससी की कंपनी भी तैनात की गई है। तो वहीं नदी किनारे 24 घंटे गश्ती के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की वारदात, हर्ष फायरिंग में 5 लोगों को लगी गोली, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टप्पल के जट्टारी स्थित मैरिज होम का यह मामला है। तो बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां पर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया, तो वहीं हर्ष फायरिंग में 5 लोगों को गोली लग गई। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला टप्पल के जटारी स्थित मैरिज हाउस का है। तो बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां पर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की घटना सामने आई है और इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और आपको बता दें कि सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, चित्रकूट जेल हत्याकांड का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट की निगरानी में सीबीआई एनआईए से जांच कराने की मांग की गई है। वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर चित्रकूट जेल हत्याकांड के मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट की निगरानी में सीबीआई एनआईए से जांच कराने की मांग की गई है। वहीं वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। तो इसी बीच उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, आईएएस सेंथिल पांडियन बने संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय में मिली संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी, 2002 बैच के आईएएस हैं पांडियन। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश निरीक्षण पर निकले हैं, कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर निरीक्षण पर निकले हैं। सरोजनी नगर क्षेत्र के चंद्रावल गांव पहुंचे हैं जिला, आरआर टीम और निगरानी समिति के कार्यों का जायजा ले रहे हैं, होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर डीएम अभिषेक प्रकाश निरीक्षण के लिए निकले हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए डीएम निरीक्षण के लिए निकले हैं और आरआर टीमों निगरानी समिति के कार्यों का लगातार जायजा भी ले रहे हैं। और साथ में आपको बता दें कि होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के साथ डीएम संवाद भी कर रहे हैं। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, गंगा घाटों पर शव दफनाने पर लगी रोक, दफन लाशों को देखने पहुंचा पुलिस प्रशासन, पुलिस ने शव दफनाने पर रोक के निर्देश दिए हैं, 100 से अधिक दफन लाशों का निरीक्षण किया, अंत्येष्टि के लिए 5,000 देगा नगर निगम। बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर गंगा घाटों पर शव दफनाने पर रोक लगी हुई है और दफन लाशों को देखने के लिए पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा है और पुलिस ने शव दफनाने पर रोक के निर्देश दिए हैं, 100 से अधिक दफन लाशों का निरीक्षण किया गया, अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपए नगर निगम देगा।
वक्त की बड़ी खबर। उन्नाव में संदिग्ध मौतों की अंत्येष्टि पर पहरा। घाट पर शवों का पुलिस की मौजूदगी में अंत्येष्टि। गौतमपुर घाट पर दफन करने की प्रक्रिया पर रोक लगी। पहुंचने वाले शवों का जलाकर हो रहा है अंतिम संस्कार। उस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से, जहां पर संदिग्ध मौतों की अंत्येष्टि पर पहरा लगा दिया गया है। घाट पर शवों का पुलिस की मौजूदगी में अंत्येष्टि की जा रही है और रोहतापुर घाट पर दफन करने की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है। पहुंचने वाले शवों का जलाकर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको उन्नाव से बता रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आपका हिम्मत जाएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।